अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एटीसी ऑर्गेनिक और मैं हूं राय आजम। मेरे फार्मर भाइयों, ड्रैगन फ्रूट पर आपने हजारों वीडियो देखी होंगी। आज की वीडियो के अंदर कुछ हम खास करने वाले हैं। हमारे पास तीन वैरायटीज हैं ड्रैगन फ्रूट की। आपको पीछे ये पौधे नजर आ रहे हैं, ये ड्रैगन फ्रूट के पौधे हमने बकायदा स्पेशल मंगवाए थे, और जिस वक्त मंगाए थे इन पौधों के साथ हमने इन वैरायटीज का फ्रूट भी मंगाया था। किस लिए मंगाया था? क्योंकि हमने इनके ऊपर तहकीक करनी थी, तजर्बा करना था। इसके ऊपर हमने ये तजर्बा किया है कि बेहतरीन ये अभी चल पड़े हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे प्लांट थे, कोई 8 इंच का था, कोई 6 इंच का था। तो ये तकरीबन 1 साल इनके ऊपर हमने मेहनत की है, तो माशाल्लाह से आज ये रेडी हैं कि हम इनको शिफ्ट करें। वैसे तो हम ये बहुत बड़े पैमाने पर इसको काश्त करने वाले हैं, लेकिन बतौर एक्सपेरिमेंट मैंने 4 पोल लगाए हैं, 3 वैरायटियां हैं। सबसे बड़ी और ज़बरदस्त वैरायटी जो है वो है जिंडू नस्ल की, उसके हम 2 पोल लगा रहे हैं। उसके बाद रेड ताइवान है, उसका 1 पोल लगा रहे हैं, और एक है मैगजिन लॉन्ग, 1 पोल उसका लगा रहे हैं। आज आपको मैं इन तीनों वैरायटियों की खसूसियात बताऊँगा कि कौन सी वैरायटी में मीठा ज़्यादा है, कौन सी वैरायटी में स्वीटनेस थोड़ी है, कौन सी वैरायटी का साइज ज़्यादा बढ़ जाता है, कौन सी वैरायटी जो है उसका साइज छोटा रह जाता है। तो मैं आपको थोड़ी सी ये तफसील बताऊंगा, इतनी लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन कोशिश करूंगा कि थोड़े से वक्त में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया ना हो जी। तो दोस्तों, ये 2 जगह पर जो वैरायटी पड़ी है, ये जिंडू वैरायटी है, ये 4 पौधे भी इसी वैरायटी के पड़े हैं, और ये 4 पौधे भी जिंडू वैरायटी के पड़े हैं। बाकी इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वैरायटी जो पड़ी हुई है, ये है मैगजिन लॉन्ग, ये चाइनीज वैरायटी है, ये भी अच्छी है। और दूसरी जगह पर ये 4 पौधे पड़े हैं, ये पड़े हैं रेड ताइवान के। ये 3 वैरायटियां हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इस वैरायटी के बारे में, बाद में दूसरों का बताता हूँ। ये तो दोस्तों, ये वैरायटी है रेड ताइवान की। ये रेड ताइवान मैं समझता हूँ कि जो बाकी की 2 वैरायटियां हैं उनसे ये थोड़ी नीचे है। हालांकि रेड ताइवान के बारे में मैंने सुना है कि ये दुनिया में फेमस वैरायटी है, लेकिन जो तजर्बा मैंने किया है, इसका फ्रूट भी खाया है, दूसरी वैरायटियों का भी खाया है, तो रेड ताइवान को मैं 3रे नंबर पर रखता हूँ। तो रेड ताइवान के ये पौधे स्वीटनेस के हिसाब से मीठा ये भी बहुत है, रेड कलर का अंदर से होता है। जो इन पौधों के फ्रूट हमने बकायदा खाए थे, उसकी वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर देखेंगे, और हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन के साथ भी वही फ्रूट जो है वो हम दिखा सकें, कोशिश करेंगे। तो ये रेड ताइवान है। ड्रैगन के हवाले से हजारों वीडियो आपने देख रखी है, मैंने पहले भी आपको बताया है इसके बेनिफिट के बारे में, इसको काश्त कैसे करना है। लेकिन अक्सर फार्मर को बताया जाता है कि जनाब आप ये घोड़ा ले लें और घोड़े की कीमत दें और घोड़ा लेकर जाएं। वो बेचारा घोड़े की कीमत देकर घोड़ा लेकर चला जाता है, उसके बाद क्या है, 2 साल इसकी खिदमत करता है इस घोड़े को घोड़ा समझकर। तो 2 साल के बाद पता ये चलता है कि जनाब आपने घोड़ा नहीं खरीदा, बल्कि आपको गधा थमा दिया गया। ये बात थोड़ी सी इखलाक से निचले दर्जे की है, लेकिन ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि फार्मर का खून चूसने वाले कीड़े इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। उन कीड़ों से बचें। जब भी फ्रूट वाला पौधा लगाते हैं या कोई भी आप फसल लगाते हैं, तो ऐसी वैरायटी का इंतखाब करें जिससे हमें 4 आने हासिल भी हों और वैरायटी खालिस हो। तो बहरहाल आइए अभी मैं आपको जिंडू के बारे में बताऊंगा। जिंडू वैरायटी के अंदर एक ऐसी खासियत मौजूद है कि आपकी बहुत बड़ी बीमारी का इलाज करती है। उसको किस तरह से खाना है और वो कौन सी बीमारी है, वो लास्ट में मैं आपको बताता हूँ। आइए मेरे साथ, मैं आपको मैगजिन लॉन्ग के बारे में बताऊँ। दोस्तों, ये है मैगजिन लॉन्ग। ये मैगजिन लॉन्ग जो वैरायटी है रेड ताइवान की निस्बत, ये फ्रूट जो है ये स्वीटनेस में भी ज़्यादा है, और इसका थोड़ा सा शेव जो है वो थोड़ा लंबूतरी शेव का होता है। अभी आइए मैं आपको लास्ट में जिंडू के बारे में बताता हूँ कि इसका नाम भी अजीब उन्होंने रखा हुआ है, ये चाइना की एक वैरायटी है, तो इसके बारे में मैं आपको जी। तो मेरे फार्मर भाइयों, ये है जिंडू। मैं इस वैरायटी के साथ मोहब्बत करता हूँ, उसकी वजह यह है कि जो मैं आपको वीडियो को शुरू में बता रहा था कि अल्लाह ताला ने इस ड्रैगन फ्रूट के अंदर इतनी बेशुमार बीमारियों का इलाज रखा है, अगर हमें इसके बारे में पता चल जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन फ्रूट ही खाएं। अगर ड्रैगन फ्रूट खाना है तो फिर क्यों ना हम वो वैरायटी खाएं जिसमें ज़्यादा फ़ायदा है।
और अगर हमने खेत में ड्रैगन फ्रूट की काश्त करनी है, चाहे घर में करनी है चाहे अपने फार्म हाउस पे करनी है, तो फिर खर्चा भी हम वही कर रहे हैं, एफर्ट और मेहनत भी हम वही कर रहे हैं, तो क्यों ना वैरायटी हम ऐसी लगाएं कि जो फेमस वैरायटी हो और जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग भी हासिल हो, उससे फ़ायदा भी हो और बीमारियों का इलाज भी हो और गिजाइयत से भी भरपूर हो। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बकायदा डिमांड करके जहां से भी ख़रीदें ड्रैगन फ्रूट की काश्त करें। पाकिस्तान को इस पौधे की बेबहा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आए दिन बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं। आप ड्रैगन की काश्त करें, इसके अंदर माशाल्लाह बहुत फ़ायदा है फार्मर को। अगर स्वीटनेस के हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा मिठास है मेरे भाइयों कि जिस वक्त हमने इसको काटा था, काटने के बाद इसके अंदर से इस तरह से वो कतरे निकल रहे थे जैसे किसी की नस काट दी और उससे ब्लड के कतरे गिरना शुरू हो गए हों। तो उसके बाद जैसे ही वो छुरी के ऊपर खुशक हुआ तो मैंने छुरी को ऐसे पकड़ा तो मेरे दोनों हाथ उसके साथ चिपक गए। खाने में इतना लजीज है, बहुत मज़ेदार है। दूसरे की निस्बत ये गेंद की शक्ल का होता है, गोल शेप का होता है, और साइज़ इसका खुराक के ज़रिए आप जितना मर्जी बड़ा ले सकते हैं। जितनी खुराक इसको चाहिए होती है, इसकी मैनेजमेंट करते जाएंगे तो आपको ये प्रोडक्शन देता जाएगा। अभी लास्ट में आपको ये बताना है मैंने कि ये कौन सी ऐसी मुजीब मर्ज है जिसका इसके ज़रिए इलाज किया जा सकता है। तो कैंसर के मर्ज से महफूज रहने के लिए ये बेहद मुफीद होता है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह और मर्जों का भी ये इलाज करता है। आज के लिए इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।